नमस्कार दोस्तों, आइए बात करते हैं इंडिया की कोविड ग्रोथ रेट में आई ड्रॉप के बारे में। आज की तारीख में इंडिया में टोटल नंबर ऑफ कोविड केसेस हैं अराउंड 74 लाख, जहां करीब 1 लाख डेथ्स और 63 लाख रिकवरीज को रिकॉर्ड किया जा चुका है। करीब 15 अक्टूबर को हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया की तरफ से रिलीज की गई रिपोर्ट के हिसाब से देश में करीब 8.2 लाख एक्टिव केसेज हैं और 67,000 नए केसेस को रजिस्टर किया जा रहा है हर 24 घंटे में। लेकिन एक अच्छी खबर यह है कि इंडिया में नए केसेस के कंपैरिजन में अब ज़्यादा रिकवरीज देखी जा रही हैं, जहां फेटेलिटी रेट नीचे चला गया है 1.5% पे और रिकवरी रेट राइज करके पहुंच गया है 87.3% पे। पिछले एक हफ्ते से कोविड केसेस का डेली ग्रोथ रेट करीब 1% से भी नीचे गिर गया है, जबकि ये नंबर 7% पहुँच गया था मई के महीने में। इस ग्राफ में हम देख सकते हैं कैसे सेप्टेम्बर के मिड से इस नंबर में एक स्टेडी डिक्लाइन होना शुरू हुआ, जहाँ मैक्सिमम पहुँच गया था करीब 98,000 पे और आज की तारीख में ये 70,000 के भी नीचे गिर चुका है। देश भर में नंबर ऑफ डेथ्स भी कम होने लग रही हैं टू अराउंड 680 ऑन अक्टूबर 14th, जो कि पिछले 2 महीने का सबसे कम सिंगल डे फिगर है। शहरों की बात करें तो करीब 3% की ग्रोथ रेट के साथ केरला में देश की सबसे हाईएस्ट ग्रोथ रेट देखी जा रही है। वहीं महाराष्ट्र में इस रेट में एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप देखा जा रहा है फ्रॉम 2.2% इन सेप्टेम्बर टू अराउंड 0.75% अक्टूबर में, जहाँ अब हर दिन करीब 10,000 से भी कम एक्टिव केसेस को रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके साथ ही पिछले 8 महीनों में देश भर में हो रही टेस्टिंग कैपेसिटी में भी एक इम्प्रूवमेंट देखा गया है और आज की तारीख में इंडिया में करीब 1,935 एक्टिव टेस्टिंग लैब्स हैं, इंक्लूडिंग 1,112 गवर्नमेंट और 823 प्राइवेट टेस्टिंग लैब्स। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप ऐसे ही और वीडियोज़ फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर ऐसे एक और वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।